बैक टू अवर यूट्यूब चैनल होप फीलिंग गुड गाइस। तो आज का वीडियो होने वाला है मिंत्रा हील्स हॉल। मैं आज आपको दिखाऊंगी हील्स जो मैंने मिंत्रा से ली है एंड जितने भी मैंने हील्स ली है वो बहुत अच्छे डिस्काउंट में मुझे मिली है। आज का जो हील्स का कलेक्शन है वो बहुत ही कलरफुल कलेक्शन है। मैंने इस पर बहुत सारे कलर्स ऐड करे हैं, कुछ वाइट भी है, ब्लैक भी है एंड लाइक बहुत बढ़िया हॉल है ये, क्योंकि मुझे सारे के सारे हील्स बहुत ज़्यादा पसंद आए, सारे के सारे बहुत ज़्यादा स्टाइलिस्ट है। सो सारे हील्स की प्राइस मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि आपको आइडिया मिल जाए कि मुझे कितनी प्राइस में मिली है, क्या डिस्काउंट मिली है। जितनी भी हील्स मैं आपको दिखाऊंगी सबका लिंक आपको माय हॉल स्टोर पे मिलेगा। सो लिंक्स के लिए प्लीज क्लिक कीजिए माय हॉल स्टोर एंड ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर ये हॉल वीडियो आपको अच्छी लगे तो। एंड नाउ विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। माय फर्स्ट फुटवेयर इज वेरी ब्यूटीफुल फुशिया पिंक फुटवेयर। सो इसकी जो हील्स है वो ब्लॉक हील्स है, स्ट्रैप आपको स्ट्रैप डिजाइन के साथ मिल रही है और इस पे सिर्फ एक चीज मुझे पसंद नहीं आई, इसका जो बीच में आपको स्ट्रैप मिल रहा है जिसपे एडजस्ट करने के लिए बकल दी हुई है छोटी सी, तो उसको मैंने एंड पे लगाया बट फिर भी ये काफ़ी लूज हो रही है। अगर आप इसे कंफर्टेबली वेयर करना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा होल करनी पड़ेगी तभी इसकी फिटिंग अच्छी आएगी, अदरवाइज़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने लास्ट एंड पे लगाया बट इसकी फिटिंग कुछ ऐसी हो रही है। बट हाँ, पहनने में बहुत कंफर्टेबल है, अगर वो स्ट्रैप लूज हो रहा है बट फिर भी बहुत कंफर्टेबल मुझे लग रहा है, ऑल्दो देखने में ये अच्छी नहीं लग रही है। सो स्ट्रैप फिटिंग के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी, 100% रिकमेंड करूँगी क्योंकि मैं स्ट्रैप यू नो एडजस्ट करके पहन सकती हूँ अगर हो जाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसका प्राइस वगैरह स्क्रीन के साइड पे मिलेगी, कॉर्सिका ब्रांड की है, ये ब्रांड की हील्स बहुत अच्छी रहती है तो मैं इसे हाईली रेकमेंड करूंगी। बस थोड़ी सी जो पॉइंट है आपको स्ट्रैप में एक्स्ट्रा होल करके आपको वेयर करना। माय नेक्स्ट आइटम इज दिस येलो टो सैंडल, मिड टॉप स्टाइलिंग एंकल लूप के साथ है, ये बहुत ही गॉर्जियस हील्स है, इसकी ब्लॉक हील्स के साथ है, ये 3 inches है तो 3 inches मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है बट इसकी जो स्टाइलिंग है गाइज बहुत ही ज़्यादा क्लासी है। एंड जितने भी हील्स मैं आपको दिखा रही हूँ सब पे कलर ऑप्शन है, अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो आप कलर अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्राइस वगैरह स्क्रीन के साइड पे। ये थोड़ी एक्सपेंसिव है और जितने भी मैं हील्स दिखाऊंगी सब 1000 और 1000 के अंडर है बट ये मुझे लगता है 1299 और समथिंग के प्राइस का है। सो ये भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, 3 inches हील्स है बट बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है पहनने में, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी भी लग रहा है, कलरफुल हील्स अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। सो आपको कैसी लगी आप कॉमेंट में जरूर से बताएं। नेक्स्ट आइटम इज ब्लैक एंड व्हाइट पॉइंटेड टो सैंडल एंड ये जो हील्स है गाइज ये तो मेरी फेवरेट है, मुझे ये बॉबी प्रिंट वाली बहुत ज़्यादा पसंद आई है और यहाँ पे आपको बैक पे स्ट्रैप मिल रही है जो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लाइक इस पे कोई ओपन करने का नहीं है। इसकी हील्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, 2.5 है बट इस तरीके की जो पॉइंटेड वाली हील्स होती है बहुत कंफर्टेबल होती है, मेरे पास ऐसी हील्स बहुत ज़्यादा है जो मैंने आपको लास्ट अपने वीडियोज़ में दिखाए हैं ऐसे हील्स वाले, और मुझे ऐसे पॉइंटेड वाले शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखे हो या फिर मुझे मेरे हॉल्स वीडियो शुरू से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मुझे ऐसे हील्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत कंफर्टेबल है और आप इसे डेली भी वेयर कर सकते हो, इतना ज़्यादा कम्फी है, बहुत ट्रेंडी है, बहुत स्टाइलिश है। माय नेक्स्ट आइटम इज दिस ऑलिव ग्रीन ट्रांसपेरेंट हील, सो ब्लॉक हील्स के साथ है ये और पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा क्लासी है, कलरफुल हील्स बहुत ट्रेंड में है गाइज। इसकी जो फ्रंट पे आप देख सकते हैं वो राउंड डिज़ाइन के साथ है, पिंक वाले पे स्क्वायर था तो स्क्वायर वाला ज़्यादा इन है बट ये राउंड भी बहुत स्टाइलिश और बहुत अच्छी लग रही है। सो इसे भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, कलर ऑप्शंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप ज़रूर चेक करें और आपको कैसी लगी आप कॉमेंट में ज़रूर से बताएं। सारे हील्स पर मेरा साइज़ 37। माई नेक्स्ट आइटम इज दिस रेड पॉइंटेड टो पम्प, सो ये गाइज बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, लाइक इस तरीके के जो टो वाली पम्प होती है मुझे बहुत पसंद है। इसकी हील की साइज़ 2 inches है जो काफ़ी कंफर्टेबल है, एंड अगेन ये पॉइंटेड वाली है सो ये देखने पे आपको पॉइंटेड लगेगी बट ट्रस्ट मी इसे पहनकर आप दौड़ भी सकते हो, ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे हील्स हैं। इस पर आपको बकल मिल रहा है जिसे आप ओपन करके इसे वेयर कर सकते हैं, साइज़ मेरा 37 है, देखने पे बहुत स्टाइलिश है, बहुत कंफर्टेबल है, प्राइस वगैरह मैं स्क्रीन के साइड पे लगा रही हूँ आप चेक करें। और इस पर आपको 3-4 कलर ऑप्शंस मिलेंगी जिसका लिंक मैं माय हॉल स्टोर पे दे दूंगी, अगर आपको रेड नहीं जस्ता तो आप
क्रीम, बीज और भी बहुत कलर ऑप्शंस आप देख ले सकते हैं। और पहनने के बाद गाइज ये बहुत ज़्यादा क्लासी लग रही है, लाइक मेरा दिल आ गया इस हील्स पे। ये इतनी ज़्यादा ट्रेंड में, इतनी ज़्यादा क्लासी लग रही है और मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी। थोड़ी सी पॉइंटेड है, आपको माइट बी फर्स्ट टाइम एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, बट अगर आप ऐसे हील्स पहनते हो तो आप बहुत कम्फर्टेबल फील करोगे। माई नेक्स्ट आइटम इज दिस गोल्ड टोन ओपन टो सैंडल। एंड ये गाइज थोड़ी सी यूनिक डिज़ाइन है इसकी। फ्रंट पे ऐसे आपको ये लेयर 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 बहुत सारे लेयर्स मिल रहे हैं गोल्ड कलर की, जो साथ में इस तरीके से दिख रही है। और फर्स्ट में एडजस्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट एक दो बारी पहनने के बाद ये बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। सो बहुत ज़्यादा इसकी जो हील्स है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी नहीं है, बट फ्रंट से ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। पार्टीज़ वगैरह के लिए बहुत अच्छी है, मेरे हॉर्स वीडियो के लिए गाइज ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये मुझे मिली 800 समथिंग की, बट अभी इसकी प्राइस हाई है तो प्राइस पर थोड़ा आप ध्यान दें, विशलिस्ट में रखिए। 800 में मुझे मिली है तो आपको भी मिलेगी ही, क्योंकि 70% ऑफ तो जाता ही है इस हील्स पर, तो इस चीज़ का ध्यान दें। बहुत कम्फर्टेबल है, बहुत क्लासी है और इसके लिए परफेक्ट है। ये आपको कैसी लगी आप कमेंट में मुझे जरूर से बताएं, मुझे बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट आइटम इज दिस ब्लॉक हील के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल कॉर्सिका ब्रांड की हील्स है गाइज। एंड इसका आप मैं बहुत ही क्लोजअप आपको दिखा रही हूँ कि इसका क्वालिटी जो है बहुत अच्छा है। स्क्वायर है फ्रंट पे जो पिंक वाले पे था, क्योंकि अभी लेटेस्ट आपको ऐसे स्क्वायर डिज़ाइन पे ही मिलेगी। पहनने के बाद बहुत अच्छी लग रही है। एंड इसकी हील्स जो आ रही है वो स्नेक प्रिंट में आ रही है, बेस्ट पार्ट। एंड ये 3 inches है गाइस, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट हील्स इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये फुटवेयर कि मुझे 3 inches बहुत कंफर्टेबल नहीं लगता है, बट फिर भी मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। उस पर कलर ऑप्शन भी है, आप चेक कर सकते हैं। हाईली रिकमेंड करूँगी, ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई। प्राइस इसका 1014 rupees समथिंग है। प्राइस के अकॉर्डिंग भी क्वालिटी जो है इसकी है बहुत अच्छी है। माय नेक्स्ट आइटम इज दिस न्यूड ओपन टो सैंडल। एंड इसकी जो हील्स है वो 2 inches है। अगेन जिनको भी ब्लॉक हील्स या फिर बहुत ज़्यादा हील्स पसंद नहीं है उनके लिए तो ये हील्स मैं बोलूँगी कि अभी इसे ग्रैब कर लो। ट्रांसपेरेंट के साथ आपको ये स्ट्रैप मिल रहा है जो न्यूड कलर का है, लाइक रोज़ गोल्ड काइंड ऑफ कलर है ये। इसकी हील्स आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और ये मुझे मिली है 799 rupees की, साइज 37 है, और हाईली रिकमेंड करूंगी क्योंकि एक तो बहुत कंफर्टेबल है, दूसरा प्राइस बहुत अच्छा है, एंड थर्ड थिंग इज कि आपको फ्रंट पे आप देख सकते हो कि इस पर भी स्क्वायर डिज़ाइन बना हुआ है, तो स्क्वायर वाली चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा इन हैं। और इस पर कलर ऑप्शन भी आपको 2-3 मिलेंगे, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ब्लैक है, आई गेस न्यूड कलर भी है, सो नहीं न्यूड तो ये है, आई गेस वाइट कलर भी है, सो आप चेक कर लीजिए माई हॉल स्टोर पर, आपको कलर ऑप्शन वहाँ पर मिल जाएगी। माय नेक्स्ट आइटम इज दिस ग्रीन ओपन सैंडल। सो इस पे आपको 3 inches हील्स मिल रही है जो ट्रांसपेरेंट हील्स है, तो मैं ये कहूँगी कि अभी इसे ग्रैब कर लो इससे पहले ये आउट ऑफ स्टॉक चली जाए, क्योंकि इसका प्राइस है 799। क्वालिटी आप देख सकते हो, मैं बहुत ही क्लोजअप आपको उसकी क्वालिटी दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी क्वालिटी इसकी हील्स। आप देख सकते हो कि ट्रांसपेरेंट हील्स हुई है, मतलब ये ऐसा हो गया कि सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी है, कलर भी बहुत ऑसम है, प्राइस बहुत ऑसम है, हील्स जो इसकी है बहुत ट्रेंडी है। सो हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत ज़्यादा इसके बारे बात नहीं करूँगी, बस अगर इस पर आपकी साइज मिलती है तो जल्दी ग्रैब कर ले इससे पहले आउट ऑफ स्टॉक चली जाए। माय नेक्स्ट हील इज दिस वेरी ब्यूटीफुल पॉइंटेड हील। अगेन इस तरीके की जो हील्स फुटवेयर है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पास एक ऐसी सेम थी जो मैंने, यहाँ मेरे पास नहीं है, दिल्ली में है, जो मैं छोड़कर आई हूँ। सो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी इस तरीके की हील्स, तो मैंने ये ले लिया। इसकी हील्स जो है गाइस 2.5 है, ये आप देख सकते हो, वैसे हील्स मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत कम्फर्टेबल होती है। और इस पे आपको ये डिज़ाइन 2 layers मिल रही है जिसपे मेटल का वर्क करा हुआ है। एक स्ट्रैप मिल रही है, हाई टो स्ट्रैप है ये, जो पहनने के बाद ये हील्स बहुत गॉर्जियस लगेगी। साइज 37 है, इसकी जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, एंड प्राइस भी मुझे बहुत अच्छी मिली है। पहनने के बाद इसकी लुक ज़्यादा आपको समझ आएगी। सो जिनको भी पॉइंटेड हील्स इस तरीके के पसंद है उनके लिए तो 200% मैं बोलूँगी कि ग्रैब कर लो इससे पहले आउट ऑफ स्टॉक चली जाए। इस पे कलर ऑप्शन एक न्यूड भी मिलेगा, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। ओके, सो लास्ट के कुछ जो फुटवेयर है वो मैंने एक दो महीने पहले लिया है गाइज। मुझे लगता है नवंबर में मैंने इसे लिया था, बट मैं क्योंकि मैंने हील्स के कोई वीडियो नहीं बनाए थे इसलिए मैंने इसे कोई भी हॉल में इंक्लूड नहीं किया था, बट जब भी मैं पहनती थी किसी भी
हॉल वीडियो में मैं लिंक आपको दे देती थी, सो इसलिए मैंने इस पर इंक्लूड कर दिया कि यू नो एक ही बार सबके लिंक मैं आपको एक वीडियो में दे दूं। और ये स्टॉक में आती जाती रहती है, तो आप इसे 100% देख सकते हो। इस पर दो हील्स मैंने ली थी, एक न्यूड कलर की, न्यूड पे पिंक है और ये वाइट पे ग्रीन है। तो एक मेरे सिस्टर की है, एक मेरी है। इस पर भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस कहूँगी कि 1000 रुपीज़ की मिली है, 200% रेकमेंड करूँगी। हील्स भी बहुत कम है, जिनको ज़्यादा यू नो हील पहनना पसंद नहीं है, आप इसे लो, खुद देखो कि कितनी प्यारी है। सो मैं इसे भी हाईली रेकमेंड करूँगी। और आप समझ सकते हो कि मुझे ऐसी पॉइंटेड वाली सैंडल्स बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि प्लीज़ एक बार मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने अपनी हील्स के कलेक्शन दिखाए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर भी मैंने बहुत अच्छे ओके। सो नेक्स्ट मेरा जो हील्स है, ये भी मैं बहुत सारे वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ, 2-3 मंथ्स पहले मैंने लिया था, अभी करंटली आउट ऑफ स्टॉक है, बट ये स्टॉक में आते जाते रहती है। तो इसकी जो हील्स है वो बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपेरेंट और वुडन का वर्क करा हुआ है राउंड में। जो ऐसे हील्स मुझे शीन में बहुत देखने को मिलती थी, ये भी मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिली थी, 700 और 800 रुपीज़ की, साइज 37 है, हील्स बहुत कम है, स्क्वायर डिज़ाइन फ्रंट पे आपको दिख रहा है, जो अगेन पहनने पे बहुत ट्रेंडी लगता है। सो इसे भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, कलर ऑप्शन भी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। सो लास्ट मेरी जो सैंडल है वो वाइट कलर की है, एंड आप ये मेरे बहुत सारे हॉल्स वीडियो में देखे होंगे, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। इस पे कलर ऑप्शन ब्लैक भी है और ये अभी स्टॉक में है, ये मुझे 1000 रुपीज़ की मिली है, अभी भी इसका प्राइस 1000 रुपीज़ है। तो ये एक ऐसी हील, मतलब आप इसे देखो, गोल्डन ब्लॉक हील्स बनी हुई है, फ्रंट पे आपको स्क्वायर मिल रही है। बस मैं इतना बता दूँ कि ये जो दोनों चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो अभी जाइए, जिससे पहले आउट ऑफ स्टॉक चली जाए, जल्दी से ग्रैब कर लीजिए, बहुत ऑसम है। That's it for today's video, guys. I hope Myntra Heels haul आपको पसंद आई हो, तो please like कर देना, subscribe कर देना, and बहुत जल्द मिलते हैं next video पे।